मारीना संदेश लाइव। क्या नाम है आपका? दिनेश मौर्य, जिला अध्यक्ष अधिकार पार्टी मऊ। आज क्या है प्रोग्राम आपका, कैसा प्रदर्शन है? हम लोगों का ये साप्ताहिक चल रहा है, आज हमारा 15वां सप्ताह है। हम लोग सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार आज 15वां सप्ताह ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग की बहुत सारी मांगे हैं, जैसे किसानों के खिलाफ जो लाया गया है काला कानून, इसे वापस लिया जाए। बड़े पैमाने पर देश की सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, इससे देश की बहुत ही अपूर्णीय क्षति हो रही है, इसको तत्काल रोका जाए। मेडिकल में पिछड़ों का आरक्षण शून्य कर दिया गया, उसे बहाल किया जाए। पिछड़ों की छात्रवृत्ति नहीं दी गई है, पिछड़ों की छात्रवृत्ति बहाल की जाए। डीजल पेट्रोल की जो महंगाई है उसे कम किया जाए। आज जो सड़कों पर तमाम आवारा पशुएं घूम रहे हैं, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, उनकी समुचित व्यवस्था करा के उन्हें सुदृढ़ कराया जाए, ताकि किसानों की फसलें बचें। और लॉकडाउन के दौरान जो हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई हैं, किसान हैं, जो बहुत परेशान हैं, उनका 2 लाख तक का कम से कम कर्जा सरकार माफ़ करे। और लॉकडाउन में हमारे जितने भी भाई जो गांव से जाके बाहर सर्विस करते थे और किन्हीं कारणों बस वो घर आके बैठ गए, उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। उनको सरकार एक मुश्त 15,000 रुपये दे और 7,500 रुपया तब तक दे जब तक कि उनकी व्यवस्था बहाल ना हो। बिल्कुल नुकसान होने वाला। सरकार यह तो कह रही है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखेंगे, लेकिन वह लिखित में नहीं करे, उसको कानून बनाया जाए। और जो सरकार ने लीगल व्यवस्था दी है, जो स्टॉकिस्ट की व्यवस्था थी, जो उन्होंने एक ये था कि महामारी के समय आप किसी भी प्रोडक्ट का एक लिमिट तक ही स्टॉक कर सकते हैं, उस व्यवस्था को उन्होंने खत्म कर दिया है। यानी पूरी तरह से व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई। यानी अब उस जो लोग भी हैं मनमारी स्टॉक करेंगे, और पता चलेगा कि किसान से ही माल खरीद को स्टॉक करके और उसको साड़ करके मार्केट में फिर हम ही को मांगे दामों में बेचेंगे, जिससे देश की कम से कम 60% आबादी प्रभावित हो रही है। वो खुद गुमराह करते हैं, सरकार जो कहती है वो करती ही नहीं है। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।